टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, इनविजन न्यूज की टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की टॉप 20 खबरें। दिल्ली के राव जेएनयू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के नेता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले इस बयान को सियासी हड़कंप से जोड़ा जा रहा है। लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च यानी रविवार को समाप्त हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और फिर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2014 में 12 लाख से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग होने वाली है। इस बार 97 करोड़ लोग अपने मतदान का इस्तेमाल करने वाले हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में करवाए गए थे। देश के बड़े राज्यों में 3 से 4 चरणों में और कुछ राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। बीजेपी को उस चुनाव में 303 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। ऐसे में इस बार भी वोटों की गिनती मई में हो सकती है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का भी ऐलान कर सकता है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में विधानसभाओं का कार्यकाल जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के फैसले पर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगे और जल्द से जल्द चुनाव हो। हिमाचल की जनता प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करेगी। सप्ताह में 5 दिन काम और हर शनिवार की छुट्टी के लिए बैंक कर्मचारियों का इंतजार लंबा खींच सकता है। कुछ ही दिनों के पहले बैंक एसोसिएशन और बैंक कर्मचारियों की यूनियन बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनने के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई थी कि चुनाव से पहले बैंक कर्मचारियों को 5-5 वर्क वीक के तोहफे मिल सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन इंडिया फ्रंट की रैली है, जिसमें गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की आज कोर्ट में पेशी होगी। जांच एजेंसी के कविता को हैदराबाद में गिरफ्तार कर दिल्ली लाई है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज हो सकती है। 24 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांसद जितेंद्र रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बहुत बड़ी रैली होगी और राहुल गांधी के स्वागत के लिए पूरा इंडिया गठबंधन यहां उपस्थित रहेगा। राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के संविधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज शरद पवार से कांग्रेस के नेता मिलेंगे और सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। मुंबई से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। कोस्ट गार्ड के 2 कर्मचारियों ने अपने सहयोगी की बेटी से रेप किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में इस बार 40 का रिकॉर्ड टूटेगा। चुनावी गणित नहीं, चुनावी केमिस्ट्री काम करेगी और सभी दावे गलत साबित होंगे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़ सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाविकास आघाड़ी की 2 सीटों का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अरविंद सावंत को उम्मीदवार घोषित कर दिया। मुंबई की सभा में उन्होंने कहा कि वे अरविंद सावंत के नाम की घोषणा कर रहे हैं और उनसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इनबीसी न्यूज़।